शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत समाचक मोहल्ला निवासी नीरज पांडे के घर में घुसकर 6 की संख्या में शरारती तत्वों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया। जब घर वाले विरोध किया तो नीरज की पत्नी बेटी और बेटा को लाठी से पीटकर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना बरबीघा पुलिस को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, वही एसपी से मिलकर घटना की जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ आरोपी केस उठाने के लिए धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार काफी भयभीत है। घर पर अपना बैठे हुए थे, जगह सामाचक ब्राह्मण टोला, हाँ। बैठे हुए थे, इतने में 20-25 को लोग आए, रोहित सेठ, बोल्टू सेठ और स्वास्तिक और गप्पू सेठ, 20-22 लड़का के साथ घर में आए और छेड़खानी करने लगे, लूटपाट मचाने लगे। हमारा बेटा को पिस्तौल के बट से मारे और माथा फट गया और हल्ला हो हंगामा करने के बाद किसके साथ में छेड़खानी करने लगा? हमारी बच्ची छोटी कुमारी, उम्र 14 साल। क्या किया वो लोग? पटक दिया, वाइफ को हमारे पटक दिया, कपड़ा फाड़ दिया, गेट को ताला तोड़ के हम लोग अंदर में घुस गया, हम लोग को पटक के कपड़ा फाड़ दिया, मम्मी को पैर में मारा, पटक दिया। अब हम अपनी बहन को रूम में बंद कर दिए, नहीं तो उसको भी मारने वाला था। वो लोग बदमाश आदमी है? हाँ, क्रिमिनल है। छेड़छाड़ भी किया है? एक मरते पकड़ाया था, कलकत्ता जेल गया था, साइबर क्राइमर है। 20 लाख रुपया चोरी किया था, एटीएम चोरी कर लिया था दुकान से। तुम लोग डर से घर नहीं जा रहा है? नहीं जा रहे हम लोग, डर से घर नहीं जाते। घर जाते तो बोलता है पापा लोग सब आगे हुए थे, हम लोग घर जाते तो बोलता है केस उठवा लो, नहीं तो तुम लोग को उठा देंगे।